हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल इज ऑन टॉप यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए छोटा सा टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। इस टेस्ट पेपर में मात्र 10 क्वेश्चंस हैं और इससे पहले के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो मैंने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया है। मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है स्टडी विथ किशोर, STUDY, स्टडी विथ किशोर, ठीक है। तो उस पर लोगो नहीं है फिलहाल, आप देख लेना और आप सर्च करने पर भी स्टडी विद किशोर नाम से मिल जाएगा। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे से जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करने कीजिएगा। तो यार इतना सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उस चैनल पे सिर्फ आर्मी से रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे, सिर्फ आर्मी से ही रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे। इसके अलावा कोई भी और प्रकार के वीडियोज़ आएंगे तो वो इस मेन चैनल पर आएंगे, और आर्मी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ होंगे वो उस चैनल पर आएंगे। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल पे भी आप नए हैं तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर, आप 1 नंबर क्वेश्चन या 11 नंबर क्वेश्चन मान सकते हैं, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा उस चैनल पर जाके। तो 11 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा राज्य भारत में 19 समानों का प्रमुख उत्पादक है? इनमें से कौन सा राज्य भारत में 19 समानों का प्रमुख उत्पादक है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, और आपको आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ ऑप्शन बताऊंगा और उनके आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन पंजाब, 2 ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा, ऑप्शन 3 नंबर है गुजरात, और ऑप्शन 4 नंबर है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। तो इस ऑप्शन में जल्दी इसलिए सॉरी आंसर जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, आपको टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा इस और मैं नहीं चाहता कि बड़ा वीडियो बने, मैं चाहता हूँ कि 4 से 5 मिनट का वीडियो ये बने, ठीक है। तो मात्र 10 क्वेश्चन है, 4 से 5 मिनट का वीडियो ही बने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर उठते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है? बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है? तो एक है जम्मू व कश्मीर, 2 नंबर ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, 3 नंबर ऑप्शन है उत्तराखंड, 4 नंबर ऑप्शन है सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू व कश्मीर। आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसका जम्मू और कश्मीर राइट आंसर है, मैंने बता दिया आपका। 13 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु का कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर इसके 4 ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन 1 है तेल शोधन, ऑप्शन 2 नंबर है एटॉमिक पावर स्टेशन, ऑप्शन 3 नंबर है चावल उत्पादन, और ऑप्शन 4 है हाइडल पावर स्टेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा मैदान है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा मैदान कौन सा है? आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, मेसोपोटामिया का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, इरावदी का मैदान, और टाइग्रिस यूक्रेटिस का मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, अब मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा मैदान कौन सा है? गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? देखिए, गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जियो थर्मल पावर, थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और गैर पारंपरिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। रबड़ के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं? रबड़ के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन जो ए नंबर है मलेशिया, ऑप्शन 2 नंबर है कनाडा, ऑप्शन 3 नंबर है अलास्का, ऑप्शन 4 नंबर है मेक्सिको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया, ठीक है। क्या होगा? मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पहले आपको डेस दिया हुआ है, में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊँची चोटी है, तो कहाँ पर कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। ये तो ये मैं इसका डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ, सिक्किम में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। वैसे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, लेकिन जो हिमालय पे स्थित है वो है कंचनजंगा, और जो ट्रांस हिमालय पे स्थित है वो है केटू, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि आप ऐसा बोल दें कि भारत की सबसे ऊँची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। मैंने गलत नहीं बताया, मैंने सही बताया, क्योंकि भारत की जो हिमालय पे स्थित है वो है कंचनजंगा, और ट्रांस हिमालय पर जो स्थित है वो है
सॉरी ट्रांसमले पे वो है केटू, और भारत की वैसे सबसे बड़ी चोटी जो है वो केटू है, ठीक है। तो मैंने आपको गलत नहीं बताया, आप कमेंट करके बोलेंगे कि सर ये नहीं वो है, तो ये वो नहीं है, मैंने आपको सही से बता दिया, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिण प्रसार को कहा जाता है, तो पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिण प्रसार को क्या कहा जाता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है कन्नड़, ऑप्शन 2 है कोंकण, ऑप्शन 3 है दक्षिण सरकार, और ऑप्शन 4 है मालाबार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जो कि है मालाबार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं, देखिए भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन 2 नंबर है देवप्रयाग, ऑप्शन 3 देहरादून, और ऑप्शन 4 गोमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। और 20 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है जो है, भारत में कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है, तो भारत में कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन ए 1 नंबर है गुजरात, 2 नंबर है महाराष्ट्र, 3 नंबर है तेलंगाना, 4 नंबर है गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो में आप कुछ वैसा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिसका नाम है स्टडी विद किशोर, ठीक है, स्टडी विद किशोर, ठीक है। आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा उस चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।